नागरिकता संशोधन कानून को लेकर समर्थकों और विरोधी गुटों के बीच इस कदर हिंसा भड़की कि हिंसा में हेड कांस्टेबल समेत 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। दिल्ली में बिगड़ी कानून व्यवस्था और सड़कों पर हो रहे हाहाकार से कई बॉलीवुड सेलेब भी गुस्से में हैं। जावेद अख्तर से लेकर अनुराग कश्यप और रवीना टंडन तक ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जावेद अख्तर ने लिखा कि दिल्ली में हिंसा का लेवल बढ़ गया है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि दिल्ली वालों को ये विश्वास हो जाए कि ये CAA के विरोध प्रदर्शन के कारण हो रहा है। कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस इसका फाइनल सॉल्यूशन निकाल लेगी। बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौर्य ने लिखा कि ये बड़े दुख की बात है कि दिल्ली जल रही है। अनुराग कश्यप ने भी कुछ इसी तरह अपना गुस्सा जताया। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने आम आदमी पार्टी से अपील करते हुए ट्वीट किया कि ट्वीट से ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। रवीना टंडन भी दिल्ली में हो रही हिंसा को देख खुद को अपने भाव व्यक्त करने से नहीं रोक पाई और उन्होंने लिखा कि इतना संघर्ष किया और एक शहीद हो गया। दोस्तों, अगर क्या हम उन बहादुरों के लिए कुछ सांत्वना व्यक्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने दिल्ली में हो रही तबाही का मंजर देख सीरिया से दिल्ली की तुलना तक कर दी। ईशा ने अपने ट्वीट में लिखा कि सीरिया, दिल्ली, हिंसक लोग हिंसक बर्ताव कर रहे हैं बिना इस बात की आधी भी जानकारी लिए कि वो आखिर क्या चाहते हैं। मेरे शहर और मेरे घर को ये लोग असुरक्षित बना रहे हैं। बता दे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 7 जगहों पर पथराव और आगजनी हुई। जाफराबाद, मौजपुर, गोकुलपुरी, यमुना विहार, भजनपुरा, गोंडा चौक समेत अलग अलग इलाकों में हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।